चलिए अब शुरू करते हैं। 10वां अध्याय, काल, टेंस। बच्चों, काल का अर्थ होता है समय, मतलब कि कोई काम किस समय पर हो रहा है। चलो इसे समझते हैं हम नीचे कुछ वाक्यों से। दादी जी मंदिर गई थी, ये हमारा बता रहा है कि ये काम हमारा हो चुका है, ये बीते हुए समय की बात है। दादी जी मंदिर जा रही हैं, ये हमारा बता रहा है कि ये काम अभी चल रहा है, ये हमारा समय में हो रहा है। दादी जी मंदिर जाएंगी, ये हमारा बता रहा है कि ये आने वाले समय की बात हो रही है, अभी वो गई नहीं है बट वो जाएंगी, इसी समय को हम काल कहते हैं। चलो काल की परिभाषा देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने या करने के समय का पता चलता है उसे हम काल कहते हैं। काल कितने प्रकार के होते हैं? काल हमारे 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि पहला है भूतकाल। भूतकाल मतलब कि जो काम हो चुका है उसे कहेंगे हम बीता हुआ समय, जैसे वह पढ़ रहा था, मैं स्कूल गई थी, ये हमारी बीते हुए समय की बात हो रही है। अब आते हैं हम दूसरे पर, वर्तमान काल। वर्तमान काल का अर्थ है जो काम अभी चल रहा है, जैसे माता जी खाना पका रही हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, इसे हम कहते हैं वर्तमान काल। भविष्यत काल मतलब जो काम अभी होगा, आने वाला जो समय है उसे कहते हैं हम भविष्यत काल, जैसे हम कुछ देर बाद रेल में बैठेंगे, चाचा जी कल आएंगे, ये काम अभी हमारे हुए नहीं है बट आने वाले समय में होंगे, इसलिए इन्हें हम कहेंगे भविष्यत काल। चलिए आइए दोहराएं। काल समय का बोध कराता है। काल 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल तथा भविष्यत काल। बीता हुआ समय भूतकाल कहलाता है, चल रहा समय वर्तमान काल कहलाता है, आने वाला समय भविष्यत काल कहलाता है। चलिए अब आते हैं हम अभ्यास माला पर। पहला, इसमें हमें सही विकल्प को चुनना है। काल का अर्थ है समय। काल के भेद होते हैं 3। बीता हुआ समय कहलाता है भूतकाल। चलिए अब आते हैं हम दूसरे पर। इसमें हमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने या करने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। अब आते हैं हम दूसरे पर। काल कितने प्रकार के होते हैं? उनके नाम लिखिए। काल 3 प्रकार के होते हैं। पहला भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल, तीसरा भविष्यत काल। चलिए अब आते हैं हम तीसरे पर। जो वर्तमान काल है उन वाक्यों के आगे हमें सही का चिन्ह लगाना है। मेघा बनारस जाएगी, मोर नाच रहा है, ये हमारा वर्तमान काल में है। कल हम चिड़ियाघर जाएंगे, ये नहीं है।
कुत्ता भौंक रहा है, ये भी हमारा वर्तमान काल में है। चिड़िया उड़ गई थी, ये भी नहीं है। चलिए अब आते हैं हम चौथे पर। इसमें हमारे कुछ वाक्य दिए गए हैं जिन्हें देख के हमें बताना है कि वो कौन से काल में है। गाय चारा खा रही है, ये हमारा वर्तमान काल हो गया। पिताजी आज आएंगे, ये हमारा भविष्य काल हो गया। कविता पाठ पढ़ चुकी थी, ये हमारा भूतकाल हो गया। कौआ काव काव कर रहा है, ये हमारा वर्तमान काल हो गया। बिल्ली सारा दूध पी गई, ये हमारा भूतकाल हो गया। चलिए अब आते हैं हम पांचवे पर। इसमें हमारे बॉक्स के अंदर कुछ शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों का प्रयोग करके हमें रिक्त स्थान को भरना है। रेलगाड़ी ठीक समय पर पहुंच जाएगी। कविता ने पत्र लिखा था। आज अविनाश विद्यालय गया है, हम कल पिकनिक पर जाएंगे। कल बहुत तेज वर्षा हुई थी।